मम्मी शिकार आपका बैठा है, चैलेंज दिया मैंने आपको, चैलेंज तो मेथी की सब्जी उन्होंने बनाई है ना, उसके साथ तेरे को मैंने कहा बस चार बाइट भी खिला दो तो मान लूंगा। चाटे मार मार खिलाए हैं, चियोटे पड़ते थे चियोटे। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, उठ गया हूँ बहुत दिनों के बाद। मैं कैमरा उठा के व्लॉग कर रहा हूँ और मम्मी मेरे सामने बैठ के नए मंगाए हुए जूते खोल रही हैं। आपको पता ये क्या है? Yes, हाँ, बताओ। मैंने तो मंगवाया, चलो जिसने भी मंगवाया, क्या है ये बताओ? ये तेरे लिए गिफ्ट है। अच्छा, yes, तेरे को एक तूने कल दो शूज मंगवाए थे, वो तो दोनों पापा ने ले लिए। तो तुम लोगों ने अगर लास्ट टू लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें ना दो जूते मंगवाए थे जिनको पापा ने देखा एंड पापा वॉज लाइक ये तो मैं ले रहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये पापा आप रख लो। पर एक और जूते थे जो उनको पता नहीं था मैं अपने लिए ऑलरेडी मंगवा चुका था, और वो थे ये वाले। कितने कूल से नहीं है, है मम्मी? मेरी चॉइस है ही अच्छी। अरे आपकी चॉइस तो क्या ही बोलूं मैं मम्मी, यार सच में पता है सुपरमैन वाले है ये। आए हाय हाय मम्मी कसम से आपकी चॉइस है भाई, आपकी चॉइस है, आपने मंगवा के दिए ये, आपने। हाँ कोई बात नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लेती। मत लो क्रेडिट, तो कैमरा के पीछे बोल दी थैंक यू, कोई बात नहीं। ये भी पापा को दिखा दो। काश इसमें मेरा साइज भी होता तो मैं भी ले लेती। अरे कोई नहीं मम्मी, आपका साइज बनवा दूंगा मैं, बनवा के देंगे आपको स्पेशल। ये भी दिखाओ पापा को, आ जाओ दिखाओ मलन साहब को, ये देख के भी बोलेंगे अरे मेरे लिए एक और जूते आ गए। दिया जूते आए हैं मलन साहब। उस दिन आपने दो देखे थे बट जो तीसरा था वो आया नहीं था, वो आज आ गए हैं। कैसा है ये? गुड है, गुड है। ये नहीं चाहिए ना आपको? हेलो गाइस, तो पापा को जूते ये वाले भी पसंद आ गए हैं, अब वो ये वाले भी पहनेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से व्लॉग में आके नाचा नहीं हूँ। ये लो पकड़ो मम्मी एक मिनट, कैमरा पकड़ो, अभी व्लॉग में आके डांस करूंगा। मेरे कोई स्ट्रीम पे सुपर चैट करके कहता है वो पहनी भाई वाला डांस करो, लेकर दिया तेरे लिए। उस दिन स्ट्रीम पे नहीं गया था, स्ट्रीम पे मैंने बोले था अबे चल क्यों डांस करूं, वो 40 रुपए की सुपर चैट के लिए अब डांस कर रहा हूं। 40 रुपए की और कर देना भाई, और कर दूं। ये एक चिकन लेग पीस डांस था जिसको मैंने इन्वेंट किया था, अभी मैंने दूसरा डांस इन्वेंट किया है पनीर मखनी। अच्छा हाँ बस इतना ही, इतना ही मिलेगा 40 रुपए में। ओके गाइस, 40 में इतना ही डांस करूंगा। हेलो, कोई है क्या? आप कौन, कहाँ मिलाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है? बाथरूम से बाहर निकलती कहता चलो चलो अभी ट्रिप पे चलो। भाई ऐसा क्या हक क्या है, तू पार्टी करते हो कि भाई एकदम से जरा वो हो गया ट्रिप पे जाने का, तो मैं जाने का भाई बाहर निकल गया है, चलो कहाँ चले इंटरनेशनल ट्रिप में। मैंने कहा भाई ऐसा क्या पार्टी करके आया कि इतना एक्साइट हो गया। अभी चलो मैं फ्री हूँ 17 तारीख तक, चलो। तू फ्री है? तू फ्री है 17 तो तेरे फ्री होने का इंतजार करूँ अब मैं। कह रहा है 17 तक फ्री हूँ, 14 तो आज हो गई, वो भी आधा दिन बीत गया। 16 को हैदराबाद जाना है। नहीं जाना, क्या हो गया? अभी 22 को जाना है वो, तो फिर तो तू 22 तक। अबे उसने कहा जाना है कहा नहीं जाना उससे मेरा क्या, मुझे कहा जाना है किसी ने मुझसे पूछा? हाँ, हमें पता है तुझे कहा जाना है। कहा जाना है? ऊपर अपने कमरे में ही, मीन कमरे में। वो तो जाना है अभी जाना है, लेकिन मेरे को कल परसों किसी की शादी में जाना है, किसी ने पूछा? तू आज तक गए किसी की शादी में? आज तक नहीं गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कभी नहीं जाऊंगा। मुझे तो ये डर लगता है कभी कभी कि ये अपनी शादी में बोल दे अरे यार नहीं जा पाऊंगा। मैं तो वो हूँ जो अपनी शादी में भी बोलेगा एक आध डोटा की गेम खेल ले तो बाद में चले जाऊंगा। दुल्हन को आप ही ले आना, मैं यही ठीक हूँ। वेरी फनी हो गया जी। ओके गाइस, इन्होंने मेरे को रोस्ट कर दिया है। मम्मी आज मैं मम्मी वाला काम कर रहा हूँ। मम्मी भी जैसे तू फ्रिज खोलती आ जाती है ना कैमरा पकड़ के, देखो अभिषेक फिर फ्रिज खोल लिया, देखो फिर से फ्रिज खोल लिया है। छोले भटूरे खिला दो यार। अरे बने पड़े हैं अंदर, पड़े हैं छोले और भटूरे। नहीं नहीं बड़े, अरे पड़े हैं छोले अंदर, पड़े हैं भटूरे तो ये रहे। ये देख भटूरे, इतना बड़ा भटूरा, ये इतना बड़ा भटूरा है। तो कल कोई मेरे को सुपर चैट करके पता क्या बोलता है, अभिषेक भाई को बोलो कि थोड़ा सा पतला हो जाए, अब भजन बढ़ गया है। मैंने कहा भाई अभिषेक भाई अभी काम भी तो कितना कर रहे हैं, एक तो ये बंदा कब जाके वो वीडियो बना आया,
बिग लाइफ रिटर्न्स वाली डबल डिजिट गेम है ना, मुझे मुझे गेम है डबल डिजिट नहीं मैं, अरे पता चला मेरे को है का डबल डिजिट नहीं, मैं का 7 डिजिट फेम, 7 थाला फॉर अ रीजन। आपको पता है थाला फॉर अ रीजन का ये मीम कौन सा है? मम्मी चलो पहले थाला फॉर अ रीजन समझ के आना। मम्मी उल्टा फेंको, अरे क्या हंस के रहे हो, उल्टा फेंको खिला दो प्लीज। क्यों सुनो, कल से मैं डाइटिंग शुरू कर रहा हूँ। अच्छा रोज से ही होती है? अच्छा कल से डाइटिंग है फिर? नहीं मैं ये सोच रहा हूँ न्यू ईयर पे डाइटिंग 1 जनवरी से करेंगे। हाँ ठीक है, उससे पहले खाते देखो। नहीं नहीं मैं तो देखो अभी से डाइटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को न्यू ईयर पे पतला दिखना है। बॉडी बनाना 2 महीने का खेल है, न्यू ईयर पे पतला दिखना है समझ ले। शादी हो रही है क्या? हाँ हाँ शादी हो रही है, शादी हो रही है, मेरे दोस्त की शादी हो रही है, उसकी शादी में जाना है तो पतला दिखना है। लेट है बे मम्मी, क्या कर रहा है भाई? योग के है, कमर दर्द हो रही है। तो ये कमर दर्द हो रही है तो ये क्या लगा लिया आपने? बेल्ट है, हीटिंग बेल्ट है। पीछे घूम के दिखाना जरा। अरे अरे भाई 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 ऑन करना है इसको। कमर दर्द नहीं हो रही, कमरा दर्द हो रहा है। कमरा अबे उस कमर जब बड़ी हो जाती है ना उसे कमरा बोलते हैं। बोल कौन रहा है? मैं तो स्लिम ट्रिम, मेरी तरफ तो कैमरा करना भी 48 ऑन तो करो, तो ऐसा पीछे घूमो जरा, वो वाइब्रेशन तो आ नहीं रही सुनाई। बस गर्म होएगी, सेक होएगा, बस वाइब्रेट नहीं होगा। वाओ मम्मी टेक्नोलॉजी, ये किसने मंगा के दी आपको? मी मायसेल्फ। क्या बात है, अब मम्मी हमारी जो है टेक्निकल गीक हो गई हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, उठ गया हूँ। हाँ एक्चुअली मैं नहा धो के रेडी होके ऊपर अपने स्टूडियो में गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो तो बना ही नहीं, ऊपर गया और जाके सो गया, तो इसलिए अब उठ गया हूँ और नीचे आया हूँ क्योंकि भूख लग रही है। मम्मी जी खाना दे दो, खाना दे दो। हम तो आपकी वेट कर रहे हैं सर। खाना दे दो, खाना खाओ। खाने में क्या है? खाने में है, क्यों बताएं, हम आपको परोस के देंगे। अगर पहले ही बता देंगे तो आप पहले नखरे करोगे कि नहीं ये नहीं। मतलब मैं समझ गया, कुछ उस टाइप का खाना बना है, वो समझ रहे हो, वो वाला खाना जो मम्मियां जबरदस्ती खिलाती हैं। हाँ वो वाला खाना बना है आज। मेरे एजेंट पिताजी बताएंगे क्या बनाया खाने में। खाने में क्या बना? मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या कह रहे थे, पर पनीर और मेथी ऐसे कुछ बोला। अच्छा तो आपने क्या खाया? अभी तो खाया ही कहा। ये गर्दन पे ये क्यों बांध रखा है? वैसे ही फैशन है। मजा आ रहा है, स्मार्ट लग रहे हो इसलिए। क्या बात है, पापा अपने पोज में बैठे हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ पापा के साथ पोज मार के। मम्मी जी मुझे एक बात बताइए। आप दो पूछिए। क्या आप मुझे सिर्फ एक ही बात क्यों बताओगे? तो मैंने इसलिए बोला दो पूछिए, एक क्यों बताइए? मम्मी आपसे मैं दो बातें पूछूं? नहीं मैं तो एक ही बताऊंगी। आप मुझे सिर्फ एक बात क्यों बताओगे? क्योंकि तू दो पूछ रहा है। तो आप दो बातें बताओ। मैं दो बातें क्यों बताऊं? क्योंकि आप माँ हो, तो इसीलिए मैंने दो सब्जियां बनाई। दो सब्जियां क्यों बनाई हैं? मम्मी जवाब दो। मम्मी मुंह में डालो, मेरे कैमरा मुंह में डालो। मम्मी बताओ। यस ये सब्जी मेरे को लगता है मैं ही खाता हूँ, सिर्फ अब्बू तो खाता है नहीं, उसको खिला के दिखाओ तो कभी मानो। वो नहीं खाता, मैं तो खाती हूँ। मम्मी ना घर में देखो दो टाइप के तो बच्चे होते हैं, मैं उनमें से हूँ जो सब कुछ खा लेता है। वो आलू मेथी बनी हो, वैसे मुझे आलू मेथी बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खुशी खुशी खाता हूँ, पर यही चैलेंज है, अब्बू को खिला के दिखाओ आलू मेथी। लो आपकी वीडियो का टाइटल हो गया, आई चैलेंज यू, 3 बाइट भी अगर उसको खिला दी मान जाऊंगा। मैं एक भी नहीं खिला सकती, 3 बाइट तो बहुत दूर की बात अरे है। अरे वाह यार खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। ओके गाइस अब खाना खाऊंगा, मम्मी के लिए चैलेंज है, मम्मी अगर अब्बू को 3 बाइट भी अगर रोटी की खिला पाए आलू मेथी की सब्जी के साथ, इस सब्जी के साथ जो कि मेरी फेवरेट है, तो मम्मी ये चैलेंज जीत जाएगी और फिर मैं मम्मी को झप्पी दूंगा। मैं पहले सरेंडर कर बैठी हूं, 1 बाइट भी नहीं खाएगा क्योंकि एक बार मैं करवा चुकी हूँ उसको चैलेंज, स्टार्ट होने से पहले ही टाइटे फिर। और क्या, मुंह ऐसे ऐसे बंद कर लिया था कि नहीं खाऊंगा।
मम्मी आप अपने वो बचपन का वो वाला रौद्र रूप भूल गए हो, याद करो जब बल्ला लेके उसको खिलाया करते थे। बैट है नहीं ना मेरे पास, नहीं तो बैट लेके। अब वो आदमी बन गया है यार, वो इतना बच्चा होता था, मम्मी ऐसा छितर लेके बल्ला लेके उसको जबरदस्ती खिलाया करती थी। मैं कह रहा हूँ मम्मी वो टाइम रिक्रिएट करने का टाइम आ गया है, वो वक्त एक दिन रिक्रिएट हो जाए। वो रिक्रिएट हो, अगर आप चाहते हो कि वो वाला जो है वो मोमेंट रिक्रिएट हो तो इस वीडियो पे लाइक मार दो, ठीक है। तो मम्मी अगले वाले व्लॉग में जो है वो मोमेंट रिक्रिएट करेंगे जब वो अब्बू को टिंडे तोरी भड़ता जैसी सब्जियां जो अब्बू बिल्कुल नहीं खाता, सब खाते हैं अब्बू नहीं खाता, उसको जबरदस्ती बल्ले मार मार के चप्पल मार मार के खिलाती थी, और अगर वो नहीं खाता था बाथरूम में बंद हो जा। बाथरूम में तो बहुत बंद कर रहा है उसे। ये रहा आपका शिकार, चलो। अरे मेरा काम कर पहले। क्या ये चेयर ऊपर नहीं हो रही, ये टिटी है इसका फर्मा टेटा हो गया। इसको यूं कर और खींच, नहीं हो रही ना, देख पीछे को कर पूरी। हाँ तो अब ठीक है, अब हुई नहीं ना भाई ये खराब हो गई है कुछ, उसका वो पेच वेच लूज हो गया। खराब भी होते क्या ये जैसे ये पेच लूज है ना वैसे इसका पेच भी लूज हो गया है। यू आर सो फनी यार। देख मम्मी आ जाओ, मम्मी धक्का देना और दो लगाओ ना, और कितना जोर लगा था। अरे और कितना धक्का, इससे ज्यादा तो जाएगी भी नहीं। क्यों नहीं हो रही यार? अरे उसका पेच वहां से लूज हो गया होगा ना, लूज पेच। तो ये तो ऐसे मैं कैसे बैठूं? कोई नहीं, दूसरी ले ले। मम्मी शिकार आपका बैठा है, चैलेंज दिया मैंने आपको, चैलेंज चैलेंज है तेरे लिए और मम्मी के लिए। मुझे चैलेंज दिया है ना उन्होंने कि जैसे इसको बचपन में मेथी खिलाते थे ना, तो अब मेथी खिला के दिखाओ। जो मेथी की सब्जी उन्होंने बनाई है ना उसके साथ तेरे को मैंने कहा बस चार बाइट भी खिला दो तो मान दूंगा। चाटे मार मार खिलाए, चियोटे पड़ते थे चियोटे। तो अब मैं मार नहीं सकती, अब तू वैसे ही खा ले, खा ले ना, मेरा चैलेंज है। ओनली विद चियोटे, चियोटे दे दो मम्मी, ठीक है चियोटे दे दो। आज तो लातों के भूत बातों से नहीं, आज तो बनता है इसको चियोटे देना, फिर बनता ही है। दे दो दे दो, नो मम्मी नो, भैया मम्मी मारो, मम्मी लूज द चैलेंज, मम्मी यू कैन डू इट, मम्मी आज हो जाए। एक एक चाटा खा ले और आज इसकी ये फ्लाई हाई बिग लाइफ सब निकाल दो। और एक और मेरी तरफ से, सूप जा रहा अंदर बाहर आ जाएगा भाई। ये जिम करके आते हैं, जिम करके डोले शोले बनाते हैं और रात को वो फिर खा के सब 12 बजे। वाओ, मेरा सीक्रेट सबको मत बताओ। आई डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। भाई ये तो अच्छी वो है यार, काफी बढ़िया डाइटिंग शाइटिंग में जिमिंग चल लिया भाई की। और क्या, रात को 12 बजे वॉफे लाते हैं। देखो सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट है बंदा भाई, अपनी वीडियोस देखता रहता है। एड़े एड़े आहे चेचना।